जय गुरु जी संगत जी। बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरु जी के परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले गुरु जी के ब्लेसिंग्स और सत्संग संगत जी आप तक पहुँचते रहें। अपना सत्संग गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत सत्संग है कि गुरु जी जब आपके जीवन में आते हैं ना तो कैसे आपका जीवन पूरा रंगों से भर देते हैं, फुल ऑफ कलर्स। और संगत जी, आज ना इस सत्संग के साथ मैं एक नई चीज़ और आपके साथ स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी उसमें मेरा साथ देंगे। संगत जी, गुरु जी हमें ना सत्संग बहुत सुनवाते हैं, हम डेली सत्संग सुनते हैं, चाहे आप हमारे चैनल के हों या दूसरे चैनल्स के हों। हमने उन सत्संग से हमने क्या सीखा ये हमने कभी गौर नहीं किया। ये बात मेरी बेटी ने आज मुझसे पूछी कि पापा, उस सत्संग से आपने क्या सीखा। तो मुझे लगा कि नहीं, हाँ ये चीज़ ऐसी है कि जिस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाली सत्संग सुनने से तो जो भला होना है वो तो हो गई, लेकिन गुरुजी हमें जो सिखाना चाहते हैं, हमने उस सत्संग से क्या सीख ली। इस सत्संग के एंड में मैं सत्संग पूरा होने के बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने इस सत्संग से क्या सीखा और आपने इस सत्संग से क्या सीखा। वो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ज़रूर मुझे रिप्लाई कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी कि आज के सत्संग से आपने क्या सीखा। और आज का सत्संग संगत जी हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेस संगत हैं, आगरा से लीना जैन आंटी जी ने। हाँ जी, आगरा से लीना जैन आंटी जी ने हमारे साथ सत्संग अपना शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूं कि उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के प्यार से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी आपको मेरा प्रणाम और एक प्यार की जप्पी। संगत जी, आपको शायद अटपटा सा लगे कि मैं ये क्यों बोल रही हूं, परंतु मेरा और मेरे गुरुजी का प्यार का रिश्ता है। 12 जून 2022 को परोक्ष रूप में आकर गुरुजी ने मेरा और मेरे परिवार को संभाला। गुरुजी से जुड़ने का कारण मेरी बेटी का पिछले 12 साल से बेड रिडन होना था, जो एक क्रॉनिक सेंट्रल नर्वस डिसऑर्डर से पीड़ित है। इस ऑटोम्यून डिजीज में आपके मस्तिष्क और शारीरिक गतिविधियों का तालमेल धीरे धीरे खत्म होता जाता है। 12 जून 2022 का वह दिन और मोनिका गुरुजी की प्यारी संगत जिन्होंने हमें गुरुजी से जोड़ा, मैं अपनी स्मृतियों से शायद ही भुला पाऊँ, क्योंकि उस दिन के बाद जिंदगी के सफर ने एक नया मोड़ ले लिया। गुरुजी अपने रंग में रंगते गए और उनकी ब्लेसिंग्स हमें अनगिनत रूप में दिन प्रतिदिन देखने को मिलती। गुरुजी की ब्लेसिंग के अनेक सत्संग हैं, परंतु उनकी मेहर बरसी जब 21 जून 2023 को मेरे गुरुजी महाराज ने डुगरी की यानी अपनी जन्मस्थली की ईंट मुझे आगरा मंदिर में बुलवाकर ब्लेस करी, और इसी कड़ी में एक और इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली संगत जी। गुरुजी ने महाशिव पुराण की ब्लेसिंग दी सावन के इस पवित्र मास में। इस ब्लेसिंग का मुझ तक पहुंचना मेरे गुरु महाराज की अद्भुत लीला है, जिसे मैं आप सभी से शेयर करना चाहूंगी। गुरुजी महाराज ये जानते हैं कि ये मेरा पहला रिकॉर्डेड सत्संग है, तो अगर कोई भी भूल चूक हो जाए तो मैं माफी चाहूंगी, सभी संगत से भी कृपया मुझे माफ करें। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना कि मुझ जैसी नाचीज को इतनी प्यारी भेंट दी 28 जुलाई 2023 को, और गुरुजी की दो बड़ी प्यारी और बहुत ब्लेस संगत जो कि इस कड़ी में जिनको गुरुजी ने जोड़ा, एक मेनका वासन आंटी और दूसरी पूनम भाटिया आंटी। संगत जी, गुरुजी ने मेनका वासन आंटी को थॉट में डाला कि मुझे यानी लीना आंटी को महाशिव पुराण जाएगी मंदिर से।
आंटी को महाराज ने ड्रीम दर्शन देकर इस बात की पुष्टि भी की और उन्हें दिखाया कि पूनम आंटी मुझे लाल रेशमी वस्त्र में लिपटी महाशिव पुराण दे रही हैं, जिसका ब्लू कवर है। संगत जी, जब मैं पूनम भाटिया आंटी से उस रात को मिलने गई तो उन्होंने बताया कि एक दिन पहले ही किसी संगत ने उनसे शिव पुराण मांगी थी, परंतु पूनम आंटी को यही ध्यान था कि अब उनके पास कोई शिव पुराण नहीं है क्योंकि वे पहले इसकी सेवा कर चुकी हैं। यही बात उन्होंने मेनका आंटी को भी कही, परंतु गुरुजी ने मेनका आंटी को ड्रीम में दिखाया कि एक शिव पुराण अलमीरा में सेकंड ड्रॉअर में पड़ी है जो कि पूनम आंटी ने आगरा मंदिर में मुझे गुरुजी की आज्ञा से दी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी, यहां बात सिर्फ ये नहीं कि क्या ब्लेसिंग मिल रही है, क्योंकि गुरुजी का आपके जीवन में आना ही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। आप गुरुजी के हो जाओ, अपनी चिंता, अपनी परेशानियां, अपनी कमजोरियां, अपने विकार सब उनके चरणों में रख दो और उनकी मौज में बैठ जाओ। फिर मेरे गुरु महाराज की लीला देखो, जो हम अपने ख्वाबों में, ख्यालों में भी नहीं सोचते, वो मेरे मालिक आपकी झोली में डाल देते हैं। मैंने कभी कहीं पे शायद सुना था या पढ़ा था कि चेंज द सिचुएशन इफ यू कैन, एक्सेप्ट इट इफ यू कांट, एंड द थर्ड ऑप्शन इज राइज अबव द सिचुएशन। जो परिस्थितियां आप सुधार सकते हैं सुधारिए, नहीं कर सकते तो उन्हें आप अपना लीजिए या फिर उन परिस्थितियों से ऊपर उठ जाइए। ये जो आखिरी पंक्ति का भाव गुरुजी से जुड़ने के बाद में मुझे समझ में आया, जब गुरुजी आपका समय आने पर आपको अपनी शरण में लेते हैं तो पहले वे आपकी कमजोरियों पर काम करते हैं। जैसे महाराज ने मुझे सबसे पहले मेरे मन में उठ रहे प्रश्नों का जवाब दिया, फिर गुरबानी शब्द से ऐसे जोड़ा कि जब मैं शब्द सुनती मुझे बहुत सुकून मिलता, शांति का अनुभव होता। धीरे धीरे संगत जी, गुरु जी ने अपने सत्संग सुनवाए, अपनी गुरुजी ने के समय की जो संगत, जो उन अनेक वर्षों से उनके साथ जुड़ी रही, जब गुरुजी के, जब गुरुजी स्वयं संसारिक चोले में थे तो उन सत्संग से गुरुजी उनको क्या कहते थे, क्या चाहते थे गुरुजी, क्या गुरुजी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था, ये समझने को मिला। एक संगत ने समझाया कि गुरु से मांगकर गुरु को छोटा नहीं करते, गुरु तो मंगो नहीं, गुरु न मन्नो। इस बात से सामंजस्य बिठाएं कि कर्म हमारे हैं तो भोगने में हमें ही तो पड़ेंगे, परंतु जब आप अपने गुरु को, स्वयं को और अपनी परिस्थितियों को उन पे छोड़ दोगे तो आपका गुरु आपको आपकी परिस्थितियों से ऊपर उठा देगा। ये मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे सबसे पहले जो शब्द सुनवा कर ये बात समझाई कि ताती वाओ न लगदी पार ब्रह्म सरनाई। संगत जी, मैं तो स्वयं ही संसारिक भंवर में फंसी हूं, परंतु मुझे पता है कि मेरे गुरु ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। गोते तो खाने पड़ेंगे क्योंकि कर्मों का हिसाब तो हमें देना ही है, परंतु मेरे गुरु जी मुझे डूबने नहीं देंगे। गुरुजी में अपने गुरु को ढूंढिए और फिर उन्हें जीवन की डोर थमा दीजिए। परिस्थितियां आपको तोड़ नहीं पाएंगी क्योंकि गुरु आपको अपने हाथों पे उठाकर रखेगा। लव यू गुरुजी, शुक्राना हर पल। और संगत जी, शुरू में मैंने प्यार की जप्पी कहा था क्योंकि मैं गुरुजी के स्वरूप को जब दिल करता है, हंसने पर, रोने पर, खुशी में, परेशानी में, एक प्यारी सी जप्पी डालती हूँ। And believe me, that hug works. गुरु महाराज की कृपा अपनी सब संगत पर बनी रहे। गुरु महाराज, जो भी सोल्स मेरे गुरुजी के साथ मिलने का निमित्त बनी, जिन प्यारी सोल से महाराज ने कनेक्ट किया, उन सब पर महाराज की सदा मेहर बनी रहे। सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू नारंग अंकल इस प्लेटफॉर्म के लिए। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी। थैंक यू लीना आंटी, अपना प्यारा सा सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, इस सत्संग के, इस सत्संग के अंदर इतनी सीख है। जो चीज़ मैंने सीखी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
कि गुरु जी के साथ जब हमारा रिश्ता किसी भी रूप में बने, पिता के रूप में, भाई के रूप में, हर का अपना अलग अलग रिश्ता है, तो हमें उसको ना बहुत प्यार से गुरु जी से निभाना चाहिए। हमेशा मांगते नहीं रहना चाहिए। जो बात हमेशा से पुरानी संगत भी कहती है हमारे को, बार बार मांगना नहीं चाहिए, वो जो देते हैं उनकी रजा में राजी रहो। जैसे आंटी ने, उनकी बेटी 12 साल से बेडिडन है, उसके बाद भी आंटी गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हैं कि गुरुजी आप मेरे कर्म कटवा रहे हो संगत जी, और आपने क्या सीखा मेरे साथ, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके एक्सपीरियंसेस का। पता नहीं किसके एक्सपीरियंस से किसकी ज़िंदगी बदल जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।